Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप कैसे चिकन समोसा बाइट्स, वेज समोसा बाइट्स और मिंट चटनी बना सकते हैं घर पे। ये तीनों रेसिपीज हम आपको दिखाएंगे आप कैसे बना सकते हैं इफ्तारी के लिए। इनमें ज़्यादा टाइम आपको यूज़ नहीं होगा और आप ये दिन में बना के रख सकते हैं, इफ्तारी पे इंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी डिलीशियस बन जाती है और इसमें वेजिटेबल्स भी है तो हेल्दी भी है, और आपके बच्चे जो घर पे होंगे वो भी इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे को खा के। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये घर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे लिया है चिकन का ब्रेस्ट पीस एक, ये देखिए आप, और इसको अच्छे से क्लीन किया है। 2 से 3 हरी मिर्च, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर, फिर हमने लिया है सौंफ का पाउडर, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर पाउडर शॉट, हमने घी लिया है, हमने लिया है 2 कप मैदा, ये मैदे का बनता है। फिर हमने लिया है यहाँ पे अजवाइन, हमने लिया है धनिया की सीड्स, काली मिर्च का पाउडर और नमक। कितना यूज़ करना आपको डालने के टाइम दिखा देंगे सब कुछ। तो सबसे पहले फूड प्रोसेसर में हम डाल देंगे जो रेसिपी से चिकन का, वो अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है उसमें डाल दीजिए आप। 2 हरी मिर्च, हमने लिया है 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया, आधी कटी प्याज, लहसुन 1 से 2, अब आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर शॉट, आधी छोटी चम्मच हमने डाला है सौंफ का पाउडर, हमने यहाँ पे धनिया के सीड्स लिए हैं वो भी आधी छोटी चम्मच, हमने लिया है यहाँ पे अजवाइन आधी छोटी चम्मच, और हमने लिया है काली मिर्च आधी छोटी चम्मच। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो हमने इनको देखिए आप फाइन इसमें बना दिया है पेस्ट, ये देखिए आप, यहाँ पे आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऑयल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे ये चिकन, इन्हें वही चिकन कीमा है ये हमने इसमें डाल दिया है, और इसको हल्का सा फ्राई करना है। अगर इसमें लम्ब्स बनेंगे आपको आपको घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि एंड पे हम इसको फिर से चॉप करेंगे। बस मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए आपको इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते रहना है फ्राइंग के टाइम पे। तो ये बड़े बड़े लम्ब्स ही हैं लेकिन हम इनको बाद में फिर से चॉप करेंगे, फिलहाल ये फ्राई हो रहे हैं। तब तक हम आटा इसका तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे मैदा लिया है 2 कप, तो इस 2 कप मैदा में हमने डाल दिया है 2 बड़ी चम्मच घी। ये घी डालने से जो ये समोसा है ये क्रिस्पी बन जाता है, तो इसलिए हमने घी डाल दिया है। फिर सॉल्ट अगर आप डालते हैं तो सॉल्ट भी डाल दीजिए, हमने सॉल्ट डाला है, और हमने हल्की सी अजवाइन डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप घी को अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने ज़ीरा भी थोड़ा सा ऐड किया, ये सब कुछ पिंच ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्रश करके ज़ीरा ऐड कर दिया है, और उसको मिक्स करना है। आपको इतना मिक्स करना है कि आपके हाथ में ये पूरा लंप जैसा बनना चाहिए, ये देखिए ऐसा लंप। जब ऐसा बन जाएगा फिर आप वाटर ऐड करके अच्छे से इसको एक डो बनाइए। ये देखिए वाटर हल्का हल्का ऐड करना है, जैसा कि आप आटा यूजुअली डो कर नीड करते हैं वैसे ही, और इसको अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है मैदा का। ये आप देख सकते हैं डो तैयार हो चुका है। अगर आपको इनमें से ज़ीरा, अजवाइन या कोई चीज़ पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने ऐड किया है। तो डो बनने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे लिड से, तकरीबन 5 से 10 मिनट अगर आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे जो ये चिकन है ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए चिकन फ्राई हो चुका है हमारा। तो हमने डो को ओपन किया है, इसको थोड़ा सा और नीड करेंगे अब हम। सॉफ्ट हो चुका है,
और तब तक हम जो चिकन फ्राई हो चुका था इसको अब हम और चॉप करेंगे। सो चॉपिंग बोर्ड पे हमने चिकन डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने इस पे फिर से फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से फाइन चॉप करेंगे आप, क्योंकि ये बड़े पीसेस थे, हमें इसको फाइनली चॉप करना है। तब तक आप जो आपके पास मैदा आपने डो बनाया है उससे बॉल्स पिंच आउट करेंगे, छोटी छोटी बॉल्स करेंगे पिंच आउट, क्योंकि हमें हाफ मून्स बनाने हैं, वो साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए हमने छोटी सी बॉल्स पिंच आउट की है। ये देखिए आप, इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना के रखेंगे, फ्लैट करके रखेंगे। यहाँ पे फाइनली चॉप हो चुका है हमारा चिकन और इसमें कोरिएंडर मिक्स हो चुका है, ये सारे आटा जो है रेडी है। अब हमें इसको बनाना है, तो सबसे पहले हमने मैदा लिया है तो हल्का सा, और हम इसको स्ट्रेट कर रहे हैं रोलिंग पिन से इस डो को। देखिए तो हम आपको ये दो तरीके में दिखाएंगे बनाना, हमारे पास एक मोल्ड भी है उससे बनाना दिखाएंगे और विदाउट मोल्ड भी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो नीचे लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके मोल्ड खरीद सकते हैं। ये देखिए ये मोल्ड है, इसमें इजीली बन जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है और शेप बहुत अच्छी बन जाती है। तो हमने इस मोल्ड में भी आपको दिखाया और विदाउट मोल्ड भी। तो सबसे पहले आप मोल्ड लेंगे और उसको ग्रीस करेंगे हल्का सा ऑयल से, इससे ये जल्दी से बाहर आ जाएंगे ईजिली। ये देखिए हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है इसको, ये बार बार जरूरत नहीं करने की, अगर आपने एक बार कर दिया है इट्स फाइन। फिर जो हमने स्ट्रेट बनाई थी ये रोटी स्किन इसमें डाल देंगे, इसको एडजस्ट करेंगे इस मोल्ड पे, और अब जो हमने ये एडजस्ट करने के बाद इस पे हम डाल देंगे जो हमने कीमा बनाया था चिकन का, इन अवे वही ये एक ही साइड से डालना है, दोनों साइड से नहीं डालना है, ये एक्सेस हो जाएगा। फिर एक साइड से डाल के ये मोल्ड को इस तरीके से बंद करना है, बहुत टाइट प्रेस करना है, और जो एक्सेस डो है वो इस तरीके से काटना है, और इस एक्सेस डो का फिर से बॉल बना सकते हैं, ये फिर से यूज़ होगा, वेस्ट नहीं होगा। तो ओपन करने के बाद ये देखिए आपके हाफ मून्स तैयार है, स्मॉल चिकन बाइट्स तैयार है। देखिए आप हाफ मून इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हाफ मून की शेप में है। तो अगर आपके पास ये नहीं है मोल्ड, नीचे लिंक पे आप क्लिक करके खरीद सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। डो लेंगे आप, उसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे रोलिंग पिन से, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो। इसके बाद एक साइड से आप चिकन डाल देंगे, दोनों साइड से नहीं, फिर से सेम प्रोसीजर है, एक साइड से चिकन डालेंगे, दूसरा साइड फ्लिप ओवर करके इस साइड पे डाल देंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे हमने मैदा और वाटर है पानी इसका हमने बनाया है मिक्सचर, इसे थोड़ा सा सील हो जाता है, अगर आप नहीं चाहते हैं आप पानी से भी सील कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे से सील होता है। यही सेम मैदा जो हमने डो बनाया था उसी मैदा को आटा में मिलाया है। अब हमने जो दूसरा साइड फ्लिप किया है उसके बाद हमने इसको सील करने के लिए ये लगा दिया, और अब पिंच करेंगे हम इसको फोर्क से। ये देखिए आप फोर्क से पिंच करके एक तो इसको शेप मिलेगी अच्छी, और ये अच्छे से सील हो जाएगा क्योंकि ये प्रेस डाउन हो रहा है सारा आटा दूसरे साइड वाला जो फ्लिप करके हमने डाला था। तो ये हो गए आपके हाफ मून्स, इस तरीके से भी बन गए। अब आप लेंगे ऑयल एक पैन में, और ऑयल बहुत हॉट होना चाहिए। जब ऑयल पूरी तरीके से हॉट हो चुका होगा, इन हाफ मून्स को हमें लो हीट पे फ्लेम करना फ्राई करना है, लो फ्लेम पे इसलिए ताकि चिकन जो है वो अंदर से पूरा फ्राई हो जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी से बाहर से क्रिस्पी बन जाएगा, अंदर से कुक नहीं होंगे, इसलिए जब ऑयल बहुत हॉट होगा फिर आपको फ्लेम को लो पे रखना है और इनको कुक करना है, फ्राई करना है जब तक ना ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ये देखिए आप दोनों साइड से ये ब्राउन होने चाहिए, आप फ्लिप करेंगे जब एक साइड से हो गया होगा, एंड फिर आप दूसरे साइड से भी कर देंगे इसको फ्राई जब तक ना ये गोल्डन ब्राउन हो, और फिर इसको रिमूव करना है। बट मेक श्योर यहाँ पे बर्नर की फ्लेम लो होगी, तब जाके अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो गए होंगे। अब जब यह हो चुके हैं ब्राउन कलर के, अब हम इनको निकाल के रखेंगे, और आपके चिकन हाफ मून्स तैयार हैं। अब हम आपको दिखाएंगे वेज समोसा बाइट्स या वेज हाफ मून्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने मटर लिया है पीस, या आप कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, जितना बनाना चाहते हैं, हमने कम क्वान्टिटी में लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 लहसुन के क्लोज, आधी छोटी चम्मच हल्दी और सॉल्ट। हल्दी और लहसुन से इसका रॉनेस चला जाता है, स्मेल चली जाती है, और नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपको इसको निकाल के रख देना है।
हमने आलू यहाँ पे बॉईल करके रख दिए थे। आप आलू आलू जो एक एक से दो आलू जितना आप यूज़ करना चाहते हैं उतना बॉईल करके रख दीजिए। फिर आलू को मैश करना है, चाहे आप मैश से करें हाथ से करें, अच्छे से मैश करना है इसको। लम्स नहीं रखने हैं आलू के, पीज़ अभी ऐड नहीं करने हैं क्योंकि पीज़ को मैश नहीं करना है। सो आलू को जब अच्छे से मैश करेंगे, इसमें फिर स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर, आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है जिंजर पाउडर, हमने डाल दिया है काली मिर्च का पिंच। इसी तरीके से हम डाल देंगे इसमें अजवाइन भी, आधी छोटी चम्मच या उससे कम जितना आप खाना पसंद करते हैं, ये सब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। हमने डाल दिया इसमें कोरिएंडर की सीड्स, हमने डाल दिया प्याज, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी वैरायटी। सॉल्ट हमने ऐड किया है, आमचूर का पाउडर, जो भी आपको पसंद है, या इनमें से जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कोई चीज़ पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसमें मटर डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, एंड जैसे कि सेम प्रोसीजर है, मोल्ड्स को थोड़ा सा ग्रीस करना है। अगर मोल्ड नहीं है तो जो मैंने दिखाया सेकंड तरीका उससे भी कर सकते हैं आप। अब ये जो हमने मैदा की रोटी फ्लैट की थी वो इस पे डाल दी है। अब हम हाथ से उठाएंगे ये मिक्सचर और इस पे डाल देंगे, ये देखिए अच्छे तरीके से, और इसको दूसरा साइड जो वो फ्लिप करेंगे, जो एक्सेस डो है वो काटेंगे, प्रेस डाउन करके एक्सेस डो काटेंगे। फिर जो हम मोल्ड ओपन करेंगे तो आपका वेज हाफ मून्स तैयार हैं, ये देखिए आप। इसी तरीके से आप सारे वेज हाफ मून्स बनाएंगे। एंड इफ़ यू डोंट हैव द मोल्ड्स, या तो लिंक पे नीचे क्लिक करके खरीद सकते हैं, या तो जो मैंने सेकंड वे दिखाया है विदाउट मोल्ड्स का वैसे बनाइए। फिर सेम तरीके में ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए, फिर इसको लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर से चिकन जो है वो भी फ्राई हो जाए। अब हम दिखाएंगे इसके साथ खाने के लिए मिंट चटनी। तो आप मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, उसमें मिंट डालिए, फ्रेश मिंट, फ्रेश पुदीना, ये पुदीने की चटनी हम दिखा रहे हैं इसके साथ खाने के लिए। तो पुदीना जब फ्रेश लेंगे आप, उसमें इस डाल देंगे आप दो से तीन हरी मिर्च, उसके बाद इसमें डाल देंगे चार से पांच काजू। काजू डालने से इसका जो कड़वाहट होती है वो चली जाती है मिंट की। अब डाल देंगे लेमन का जूस, एक से दो बड़ी चम्मच लेमन का जूस। अब थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज रिफाइंड ऑयल भी चलेगा, इससे ये टेक्सचर स्मूथ आता है इस चटनी का। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालिए। फिर हमने डाल दिया है कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया और नमक। और इनको अच्छे से ग्राइंड करेंगे हम। ये देखिए ग्राइंड करने के बाद अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद फिर से ग्राइंड करेंगे और आपके पुदीने की, फ्रेश पुदीने की चटनी तैयार है। तो आप ये वेज और चिकन समोसा बाइट्स इस मिंट चटनी या टमेटो केचप के साथ इंजॉय कीजिएगा घर पे, इफ्तारी पे ज़रूर बनाइएगा। और हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं हम कुछ और वीडियोज़ आपके लिए बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। थैंक यू।